अस्सलामु अलैकुम। क्या आपके कोफ्ते भी टूट जाते हैं? वीडियो आखिर तक देखिए, टिप्स फॉलो करिए, नेक्स्ट टाइम से आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी। जो रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ उसमें आप कोफ्ता फ्राई भी कर सकते हैं या कोफ्ता करी भी बना सकते हैं। कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन कीमा, इसे अच्छे से धो के रख लें। कीमे को हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ पीसना होगा, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, मोटी काट सकते हैं आप, ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं। 3 कटी हुई हरी मिर्च, 3 टीस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, बहुत सारे धनिया और पुदीने के पत्ते। इनकी अच्छी खुशबू आएगी कोफ्ते में। 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं, इससे कोफ्ते टेस्टी बनेंगे। सूखे नारियल को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं या कच्चे नारियल को भी आप छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं अगर पाउडर ना हो तो। थोड़ा सा नमक, 2 टीस्पून घी या तेल भी डाल सकते हैं, आधे नींबू का जूस, 1 अंडा बाइंडिंग के लिए, कोफ्ते नहीं टूटेंगे। और इसका जो सीक्रेट और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। ब्रेड के 3 स्लाइसेस को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल दें। ये कोफ्तों को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा, कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे नहीं, एक बार आप डाल के देखिए। इन सभी को अच्छे से पीस ले, पानी बिल्कुल भी मत डालिए। पिसा हुआ कोफ्ता मसाला हमारा तैयार है, देख लें, इस तरह से पीस लें। इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं। आपको जितने साइज के कोफ्ते चाहिए उतना मसाला लेके इसे एक राउंड शेप दे दें। पहले थोड़ा सा तेल लगा लें हथेली पर। ख्याल रखिए इसमें क्रैक्स ना आए वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। देख लें इस तरह से शेप दे दें, इतने साइज के काफी हैं। अगर आपको बड़े चाहिए तो थोड़े से बड़े बना सकते हैं या इससे छोटे चाहिए तो वो भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। ये मसाला यूज करके हम आराम से 25 से 30 कोफ्ते बना सकते हैं। मैं यहाँ ग्रेवी में सिर्फ 15 डाल रही हूँ, आप चाहें तो पूरे 30 भी डाल सकते हैं। 15 ग्रेवी में डाल रही हूँ और 15 जस्ट फ्राई करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि फ्राई कोफ्ता भी बहुत टेस्टी होता है। कोफ्ता फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, धीरे से कोफ्ते डालते जाइए। कोफ्ते हम बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसे बैचेस में ही फ्राई करिए। देख लें बस इतना फ्राई ही काफी है, फ्लेम बंद कर दें। देखिए कोफ्तों को बस इतना ही फ्राई करिए, ज्यादा फ्राई मत करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा फ्राई कर देंगे तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ग्रेवी में डालने के बाद मसाले ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करते कोफ्ते और टेस्टी नहीं बनते, इसीलिए थोड़ा सा ही फ्राई करना जरूरी है इसमें। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, वो और भी ज्यादा टेस्टी बनते हैं। नॉर्थ इंडिया में फ्राई करके डालते हैं और साउथ इंडिया में बिना फ्राई किए। मुझे तो एक्चुअली बिना फ्राई किए ही डालना बहुत अच्छा लगता है, वो कोफ्ते मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई करके डाल रही हूँ, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ग्रेवी के लिए हमें एक मसाला पेस्ट तैयार करना होगा, तो इसके इंग्रेडिएंट्स अब देख लेते हैं। देखिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, इसे इस बाउल में डाल देते हैं। 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 12 से 15 काजू, कोकोनट पाउडर यानी सूखे नारियल का पाउडर, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च तोड़ के डालिए, थोड़ा सा जीरा डाल दें। इन सभी को एक बारीक पेस्ट की तरह पीस लें। ग्रेवी का पिसा हुआ मसाला पेस्ट रेडी है।
ग्रेवी का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 इलायची। इलायची को इस तरह से ओपन करके डालिए। तेल गरम हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें। सॉटे कर लें लो फ्लेम पे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें पिसा हुआ मसाला पेस्ट डाल देते हैं और इसी के साथ 3 टेबलस्पून दही भी डाल दें। इन मसालों को हमें अब अच्छे से भूनना होगा। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून डाल दें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 या 1.5 टीस्पून, यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे अच्छा कलर आएगा। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए इसे फिर से भून लेते हैं। आप इसे जितना ज़्यादा भूनेंगे ग्रेवी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और तेल भी तभी साइड्स में आएगा। ग्रेवी अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। मसाले तो अच्छे से भून चुके हैं, देखिए तेल साइड्स में आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं। इसमें पानी डाल दें। पानी मैंने 2 मग भर के डाला है क्योंकि इसमें हमें कोफ्तों को गलाना होगा। हमने बस थोड़ा सा ही फ्राई किया है, इसमें कोफ्तों को गलाने से कोफ्ते अंदर तक कम्प्लीटली गल जाएंगे अच्छे से, यानी पक जाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल दें और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को हाई पे रख दें। हमेशा लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। कोफ्तों को अगर आप ज्यादा फ्राई करके इसमें डालेंगे तो ग्रेवी में भी टेस्ट नहीं आएगा और कोफ्ते में भी टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए बिना फ्राई किए या थोड़ा सा फ्राई किए डालना ही बेहतर है, ये याद रखिए मेरा टिप। ये तो बॉईल हो रहा है, कोफ्ते डाल दें धीरे से। कोफ्ते डालने के बाद इसमें स्पून बिल्कुल भी मत डालिए, जस्ट इस तरह से हिलाते रहिए और इसे हम अब लो फ्लेम पे रख देते हैं। लो फ्लेम पे ग्रेवी के साथ कोफ्ते गल जाएंगे अच्छे से। और एक बात याद रखिए, जब आप इस तरह से कोफ्ते बॉईल करते हैं ग्रेवी में, लिड बिल्कुल भी मत बंद करिए। अगर आप इसके ऊपर लिड बंद कर देंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। इसे ऐसे ही ओपन रख के पकाइए। देख लें मजेदार कोफ्ता करी तो हमारी तैयार है और तेल भी देखिए अच्छे से साइड्स में आ चुका है, कोफ्ते भी बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसमें थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें, 3 से 4 हरी मिर्च, मिक्स कर लें। इसे लो फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए पका लें। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। बहुत ही मजेदार कोफ्ता करी हमारी तैयार है। देखिए कोफ्ता करी कितनी मजे की लग रही है और ग्रेवी भी काफी थिक और टेस्टी बनी है। मैं आपको दिखा रही हूं कि कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। देख लें बहुत सॉफ्ट और काफी टेस्टी बने हैं। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, परोठे के साथ, चावल के साथ या खिचड़ी के साथ, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं ये। कमेंट में ज़रूर बताएं कोफ्ता करी की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।